हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे मेरी तरह स्वस्थ और मस्त। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गीत खाती व्लॉग्स में। और मैं उठ गई हूँ और यहाँ इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है, मेरे मुँह से धुआं आ रहा है, आप देख सकते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? और मैं आज लेट उठी क्योंकि कल रात लेट सोई, इसीलिए 12 बज गया था कल साफ़ सफाई करते करते। और आज भी मुझे साफ़ सफाई करनी है, पेंट वेंट लगाना है, तो सुबह से ही लग जाना पड़ेगा काम में। अभी मैंने पहले झाड़ू लगा लिया है और पोछा थोड़ी लेट लगाऊंगी, थोड़ी देर बाद लगाऊंगी। पहले खाना बना लेती हूँ, उसके बाद ये लोग खाना वाना खाएंगे, उसके बाद मैंने पेंट वाला काम करना है। लगभग सभी लोग उठ गए हैं घर के और मैं सबसे लेट उठी आज। तो फिर शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो अम्मा जी भी उठ गई है ना। अम्मा अपने लिए चाय लेके जा रही है। क्यों अम्मा जी, अम्मा को आप पता ही नहीं है दिवाली है करके। कैसी अम्मा हो यार अम्मा आप? पता कुछ नहीं, कुछ नहीं इनको, कुछ नहीं पता इनको, कुछ ना पता हो आपको अम्मा, सब मुझे बताना पड़ता है। पता कुछ नहीं। हमारे घर में सुबह सुबह धूप आ जाती है, अभी बज रहे हैं, जितना भी बज रहा है पता नहीं, लेकिन धूप जल्दी आ जाती है। तो आप देख सकते हैं सुबह का व्यू हमारे घर से कैसा दिखता है, जो मैं आपको गांव आके दिखाती रहती हूँ। बहुत सुंदर, आज तो धूप ही धूप है। अम्मा हाई कर दो एक बार, हाथ ही ला दो जल्दी। यहाँ देखो, यहाँ कैमरे की तरफ। हाँ बस। तो गाइस, मैंने आटा छान लिया है और यहाँ पे आग जली है और इसमें पानी रखा है और ठंडा इतना ज़्यादा हो रहा है कि आग से उठने का मन ही नहीं कर रहा है। ठंडा हो और आग हो तो कौन उठे आग के पास से, तो बड़ा ही मज़ा आ रहा है आग सेकने में। तो गाइस, खाना तो मैंने बना लिया है, मैं पेंट लगा रही हूँ थोड़ा सा। पहले रेड वाला लगा लेती हूँ, अभी धूप आई है तो जल्दी सूख जाएगा, फिर सूखने के बाद एपन डालूँगी। तो इसको खोल के फटाफट लगाते हैं अब। गाइस, ब्रश की ज़रूरत सिर्फ पेंट के टाइम पड़ती है, ढूंढते ढूंढते अभी मिल रहा है ब्रश, कब से ढूंढने में लगी हूँ। तो अब शुरू करते हैं पेंट लगाना। तो गाइस, ये रेड पेंट मैंने इसमें लगा लिया है, ये सीढ़ियाँ तो हुई कंप्लीट, अब मुझे ऊपर की सीढ़ियों में लगाना है। थोड़ा सा तो लगा दिया, थोड़ा और बचा है। Where did you go? 2000 years later. तो दोस्तों, पेंट लगा ही लिया है थोड़ा बहुत पीछे साइड, अब आगे साइड लगाना है उस साइड को। तब तक ये सूख जाएगा और तब तक हम नाश्ता करते हैं, और नाश्ता करके बर्तन धोगे उसके बाद एपन डालेंगे, तब तक ये सारा सूख जाएगा जितना भी लगाया है। आओ अम्मा, आओ रोटी खाओगे। गाइस, अभी तक तो हम पीछे साइड थे, लेकिन अभी आ गई मैं आगे साइड। अभी तक पोछा लगाने का टाइम नहीं हुआ है, आप सच नहीं मानोगे, 10 बज गया है। अब आपको मानना ही पड़ेगा, मैं बता रही हूँ आपको। तो अब पोछा लगाने के लिए आई हूँ मैं इधर, पोछा लगाती हूँ फटाफट। और उस साइड शेखर थोड़ा सा पेंट है लगा रहे हैं, उसे दिखाती हूँ आपको। इस साइड की सीढ़ियाँ और इस साइड लगाऊंगी पोछा, उस साइड तो मैंने लगा लिया है। अभी आई मैं घर के आगे साइड, यहाँ पे मेहनती लोग मेहनत कर रहे हैं और पेंट लगा रहे हैं। क्या हो रहा है? वाह, आप तो बड़ा अच्छे से लगा रहे हो यार, ऐसे लगा जाता है दोस्तों पेंट? मैं तो बस बवाल टलाई कर रही थी अभी तक। ये बार ऊपर देख दो, हाई कर दो। हेलो, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। गाइस, रूम भी इतने बड़े बड़े हैं ना, क्या बताओ, एक जने की ड्यूटी तो पूरे झाड़ू पोछा में ही लग जाएगी। यहाँ इतने बड़े बड़े रूम हैं और पोछा लगाने में बड़ी आफत आ जाती है, मतलब इतना बड़ा घर जिसका होगा वो तो सफाई में ही अटक जाएगा हमेशा। मैं सफाई में ही अटक जाती हूँ, कुछ काम नहीं होता इसके अलावा मेरा, साफ़ सफाई। मतलब गंदा भी इतना ज़्यादा हो जाता है, क्या बताऊँ अब। तो गाइस, जल्दी से पोछे वाला काम निपटा के फिर एपन वाला काम करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है आज। मुझे तो लगता है आज ख़त्म होगा नहीं होगा, पता नहीं, डर भी लग रहा है, लेकिन आज दिवाली भी है तो ख़त्म तो करना ही पड़ेगा।
तो गाइस पोछा वोछा तो लगा लिया है, अब 5 मिनट रेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं, और उसके बाद फिर कार्यक्रम करना पड़ेगा। तो गाइस जहाँ फर्स्ट में पेंट लगाया था वहाँ सूख गया है, अब मैं एप्पल डालना स्टार्ट करती हूँ। एक राउंड छत का लगा के आती हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, इतना पसीना हो रहा है, कब से लगी हूँ। अभी एक सीढ़ी भी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी तो 2-3 सीढ़ियाँ फिर अंदर डालने होंगे। क्या देख रहे हो गाइस, देखिए यहाँ बुआ लुट्टा बना रही है और मम्मी लुट्टे में फेंक रही है, गज्जे का लुट्टा बनाया जा रहा है। 4 लुट है ना गजोग, आज कद बनाल एक आ बनल। सबके सब यही लगे हैं, अब बूबू भी चले गए वहाँ। यून बरका हो अब लगाड़े पताड़े अब कद बोला जी। सब लोग अपना अपना काम छोड़ के यहाँ पहुँच गए हैं, अभी तक सब लोग काम कर रहे थे और मैं भी छत में आ गई हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स, बैठे बैठे कमर दर्द हो जा रही है। और यहाँ पे मेरे फूल पिछली बार दिखाए थे, उनमें अभी बहुत अच्छे अच्छे फूल खिले हैं, अभी मेरे को इनमें पानी डालने का टाइम भी नहीं हो रहा है गाइस, शाम को ही डालना पड़ेगा क्योंकि 2 दिन से पानी नहीं पड़ा इनमें, उससे पहले से ही नहीं पड़ा होगा, किसी ने डाला भी या नहीं डाला पता नहीं। और मम्मी फेंक रही है लुट्टे में गज्जो, ये देखो दोस्तों, और अम्मा देख रही है यहाँ से नज़ारा ना अम्मा, अम्मा हाय कर दे यार। अम्मा का काम है बिस्कुट धूप में डालना, अम्मा ने इतनी इतनी बारीकी से काम किया है, इतने अच्छे से बिस्कुट धूप में डाला है ना अम्मा। अम्मा ने यहाँ पे गेहूँ डाले हैं गाइस, और अम्मा ने यहाँ पे भट डाले हैं थोड़े से। अम्मा ये अलग अलग भट क्यों डाले हैं फिर आपने? ओ अम्मा ये अलग क्यों डाले हैं? अच्छा ये लास्ट वाले हैं कह रही अम्मा, वो पहले चूर दिए होंगे। यहाँ पे थोड़ा सा लाल मिर्च है, यहाँ पे भी 2-2 जगह मिर्ची को डाली है, फिर एक ही में क्यों नहीं डाला? अच्छा वो सूखी हुई है और ये आजकल ही तोड़ी है, और थोड़े से भट यहाँ पे भी हैं, और यहाँ अलग अलग क्यों डाले अम्मा माँ सब? अच्छा ये भी अलग अलग डाले, यहाँ पे भी मांस ही दिख रहे हैं मुझे, यहाँ पर भी मांस दिख रहे हैं, यहाँ पर भी मांस दिख रहे हैं, और यहाँ पर पता नहीं क्या है ये। बस गाइस लुट्टा कंप्लीट हो गया है, मैंने छत से देख लिया है, अब मैं जाती हूँ नीचे और अपना काम खत्म करती हूँ। गाइस ये पर मैंने अभी बना रखा है, खत्म हुआ, अब मैं वहां से आपको दिखाती हूँ बाहर का। अम्मा कहाँ जा रही हो? अम्मा फिर से छत में चली। ये रही गाइस मेरी एप्पल, मेरी कलाकारी ये आप देख सकते हैं। तो मेरा तो पेंट का काम खत्म हो गया है, इस वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ली थी, ये आप ही करोगे, और ये कंप्लीट होने ही वाला है दोस्तों, ये बहुत अच्छा बन रहा है, मुझसे तो लाख गुना अच्छा बन रहा है, क्योंकि अब मैं तो सुबह से बना रही हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा पित्त आ रही है बनाने में, इनका नया नया हाथ है तो इनको अच्छा लग रहा होगा ना, अरे लग रहा नहीं लग रहा आपको? अच्छा बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, फिर भी मैं कर रहा हूँ, फिर भी बनाना पड़ रहा है, कहाँ करें, पेंट भी हमारा ब्रश भी हमारा, तो बनाना तो पड़ेगा। दिवाली भी तुम्हारी तो क्या, बनाना तो पड़ेगा। एक बार मैं आपको अपना जितना भी मैंने आज बनाया है वो दिखा देती हूँ, सारा एप्पल जितना भी मुझसे हो सका और जितना मेरा हाथ सेट था मैंने बनाया। अब मैं रोज़ अगर यही काम करती तो मेरा हाथ सेट रहता और मैं बना लेती, और मुझे पेंटिंग वैसे भी बहुत ज़्यादा बहुत कम आती है, कभी मैंने करी नहीं है, तो फिर भी मैंने बनाया तो है ही, जैसा भी मुझे आता था ठीक ही लग रही है वाली सीढ़ियाँ। अब उस साइड की दिखाती हूँ आपको मैं।
डिब्बा भी यहीं पे है और ये मोटू ने बनाया है, देखो कितना सुंदर लग रहा है, मुझसे तो लाख गुना अच्छा बना रखा है इन्होंने। मतलब मुझे पता होता तो सुबह से इनसे ही बोलती लगाने को। ये है मेरी छत में जाने वाली सीढ़ियाँ आगे साइड की, वो मेरे अपन कैसे हो रहे हैं, मेरे अपन कैसे हो रहे हैं पहले बताओ। अच्छा बस, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, सुबह से ही काम पे लगी हूँ और अभी तक मैंने नहाया भी नहीं, आज दिवाली है और नहाना भी है मुझे अब, और मेरे हाथ भी पूरे गंदे हो गए हैं, दोनों हाथ खराब हो गए, मेरा फ़ोन भी ख़राब हो गया है, फ़ोन भी पूरा पेंट लग गया है। अब फटाफट से नहा लेते हैं और फिर शाम की तैयारी भी करनी है, खाना वाना सब बनाना होगा, 4 तो बज ही गया है। नहा धो के फिर आपसे मिलती हूँ और शाम का व्यू दिखाऊंगी आपको, बहुत प्यारा आएगा क्योंकि आज दिवाली है तो कुछ ज़्यादा ही सजा सजा के रखते हैं लोग, तो देखते हैं फिर शाम को और फिर मिलते हैं आपको शाम को ही। गाइस सभी कमरों की लाइट्स ऑन हो चुकी हैं और अब मैं कुछ फूल लगाने वाली हूँ दरवाज़ों में, अभी कुछ लगाया नहीं है क्योंकि टाइम ही नहीं मिला है, अब मैं लगाती हूँ यहाँ फूल। गाइस ये रहा हमारा घर, यहाँ से आपको पूरा दिखेगा, और ये रहा डीडी हाट का बाज़ार, यहाँ से डीडी हाट का बाज़ार ही पूरा दिख रहा है और चमचम चमचम लाइट्स चमक रही है सबके घरों में, और ये हमारा घर है। अभी हमने दिए नहीं जलाए हैं, कैंडल्स भी नहीं जलाई हैं, अभी जलाते हैं। गाइस दियों की शुरुआत हम अपने मंदिर से कर रहे हैं और सबसे पहले हम मंदिर में जलाएंगे, जो हो भगवान। थोड़े फूल लगा लिए, थोड़े फूल बचे हैं, अब मैं अपनी साइड को लगाऊंगी, और ये महाराज जी कैंडल्स जला रहे हैं। गाइस हमारी कैंडल्स जल गई हैं यहाँ से लेके वहाँ तक, ये तो अभी आगे साइड है, अभी तो पीछे साइड और है, वहाँ भी जलाएंगे। गाइस आज हम कैंडल ही जलाएंगे। हमारे घर में इतनी ज़्यादा हवा चलती है कि मतलब कुछ देर के लिए होंगे, उसके बाद तो ये हवा की तरह बुझ ही जाएंगे। यहाँ से यहाँ तक पूरे हमने जलाए हैं, आप देख सकते हैं, मैं आपको नीचे से दिखाती हूँ हमारा घर, ये देख सकते हैं आप हमारा घर, अब हरा भरा लग रहा है, पूरी कैंडल्स जल चुकी है हमारे घर में और पटाखे भी फोड़ रहे हैं यहाँ लोग, बहुत जोर जोर से आवाजें आ रही हैं पटाखों की। आज बहुत ज्यादा पटाखों की आवाज आ रही है गाइस, पूरे मार्केट में पटाखे पटाखे फूट रहे हैं, पटाखों से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो मैं सोच रही हूँ फुलझड़ी जलाऊँ, क्योंकि फुलझड़ी तो मैं जला ही सकती हूँ, बचपन से ही फुलझड़ी जलाती आ रही हूँ, तो अभी भी जलाऊँगी, पटाखे जलाने तो मेरी बस की बात नहीं है, तो मैं फुलझड़ी जलाती हूँ, देखते हैं जलती है कि नहीं जलती है। ओ माई गॉड जलती है, मैंने उल्टा तो नहीं पकड़ दिया, जल जा भाई जल जा। ओ वाह, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, हमारी फुलझड़ी जल गई। अम्मा आओ ना यार, आप भी जलाओगे, अरे वाह मजा आ रहा है इसको जलाने में। सबको हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से, अम्मा जलाओगे? ओए मुझे तो ये इसको जलाने में भी डर लग रहा है, मेरे हाथ में ना आ जाए कहीं। ओ वाव अम्मा जल रही है देखो, पर ये इतनी क्यों जल रही है, ये तो पूरी नहीं जल रही और ये भी नहीं जल रही, देखो खत्म। ये हमारे घर में भी जलने लग गया, ये फूट के अंदर ही आएगा कहीं। ये तो ऊपर तो
गाइस हम लोगों ने खाना खा लिया है और अब सब लोग अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए हैं, और मैं भी सुबह से बहुत ज़्यादा काम कर रही थी तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और अब सो जाते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और कमेंट करके बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी।